नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ का डिजिटल चैनल इन खबर। आज हम बात कर रहे हैं कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के गठबंधन के बारे में। मनीष सिसोदिया ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये तो बात क्लियर कर दी है कि अब आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन नहीं होगा। जी हाँ, पिछले कुछ समय से खबरें सामने आ रही थी कि कांग्रेस चार या तीन चार और हरियाणा और पंजाब इन सब के फॉर्मूले पर किस तरह से गठबंधन करके इस लोकसभा चुनाव में उतरेगी। काफ़ी समय से खबरें थी कि कभी राहुल गांधी इस बारे में ट्वीट कर रहे हैं, तो कभी आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं कुछ लोग वो सब कह रहे हैं, तो कभी मनीष सिसोदिया इस बारे में बात कर रहे थे, तो कभी खुद अरविंद केजरीवाल भी इस बारे में बात कर रहे थे। पर लेकिन जो ये अटकलें सामने आ रही थी सीट के बंटवारे को लेकर और गठबंधन को लेकर, ये सारी अटकलें अब ख़त्म हो चुकी हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने साफ कर दिया है कि अब गठबंधन नहीं होने वाला है। जो भी रास्ते थे वो सारे रास्ते अब बंद हो चुके हैं। वहीं गठबंधन ना होने को लेकर आम आदमी पार्टी के नेता जो मनीष सिसोदिया हैं और संजय सिंह हैं, इन दोनों ने मिलकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। वहाँ पर इन्होंने ये बातें कही कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन नहीं होगा और इसकी जिम्मेदार कांग्रेस है। और उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस ने अभी तक हमारा समय ख़राब किया है, कांग्रेस गठबंधन कभी चाहती ही नहीं थी, उसने हमारा समय ख़राब किया है। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि मोदी शाह को 18 सीटों पर हराने के लिए गठबंधन चाहती थी आम आदमी पार्टी। जी, 18 सीटों पर हारने के लिए गठबंधन चाहती थी आम आदमी पार्टी। और दूसरी तरफ जो संजय सिंह है, उन्होंने ये कहा था कि अगर बीजेपी सत्ता में आती है तो इसके जिम्मेदार पूरी तरीके से कांग्रेस पार्टी होगी। और बात की जैसी प्रेस कॉन्फ्रेंस से लेकर अगर एक दो पॉइंट्स की तो ये भी है कि मनीष सिसोदिया ने कहा था कि कांग्रेस अब टाइम पास कर रही है। और इन दूसरी उन्होंने ये भी कहा कि आप किसी भी तरह देश को मोदी शाह की जोड़ी से बचाना चाहती है। जी हाँ, मनीष सिसोदिया ने कहा था कि आम आदमी पार्टी मोदी और शाह की जोड़ी से देश को बचाना चाहती है, इस वजह से वो कांग्रेस के साथ गठबंधन करना चाहती थी ताकि मोदी सरकार वापस ना आ पाए। अब वहीं उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने यहाँ पे भी गोवा और पंजाब वाले हाल किए हैं, जिस प्रकार गोवा के इलेक्शन में और पंजाब के इलेक्शन में कांग्रेस ने कहा था कि गठबंधन होंगे या हम एक साथ मिलने वाले हैं, पर मिले नहीं, वही हाल यहाँ पे भी किया है। और वहीं आगे बात करते हुए मनीष सिसोदिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि कांग्रेस चाहती थी कि वो दिल्ली में तीन सीटों पर चुनाव लड़े और पंजाब में उसको एक भी सीटें न दी जाए। पर इस बारे में उसने ये कहा कि कांग्रेस के खुद दिल्ली में एक भी सांसद और MLA नहीं है, इसके बावजूद कांग्रेस ये चाहती थी कि तीन सीटों उसको दी जाए और आपको केवल चार सीटें दी जाए। और वहीं उसकी मांग रही कि पंजाब में हमें एक भी सीटें न दी जाए, मतलब मनीष सिसोदिया ये कह रहे हैं कि पंजाब में आम आदमी पार्टी को एक भी सीटें न दी जाए। अब ऐसे में तो फिर गठबंधन होना नामुमकिन सा ही लग रहा था। तो वहीं दूसरी तरफ हरियाणा, जहाँ तीन राज्य बताए गए थे दिल्ली पंजाब और हरियाणा में उस गठबंधन के लिए, तो हरियाणा में ये कहा जा रहा था कि हरियाणा में कांग्रेस 6 सीटों पर लड़ेगी और JJP को 3 सीटें दी जाएंगी, तो वहीं आपको केवल 1 सीट दी जाएगी। तो ऐसे में कुल मिला जुला के 5 सीटें ही दी जा रही थी आम आदमी पार्टी को। शायद इस वजह से ही आम आदमी पार्टी अब पीछे हट गई है इस गठबंधन से, या कांग्रेस नहीं चाहती थी कोई गठबंधन, या वो केवल टाइम पास और आम आदमी पार्टी का समय ख़राब कर रही थी, ये बात भी सही हो। अभी तो खैर समय बताएगा। वहीं पंजाब में देखा जाए तो पंजाब में आम आदमी पार्टी की थोड़ी बहुत पकड़ मजबूत है, क्योंकि वहाँ पे उसकी 20 MLA और 4 सांसद हैं, तो ऐसे में वहाँ पे उसको एक भी सीट ना देना ये बात भी गलत थी। पर जो भी हो, जो भी तर्क वितर्क रहे हो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में, अब तो इन दोनों के बीच गठबंधन नहीं होगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने तो साफ तौर पर साफ कह दिया है कि अब कांग्रेस और आपके बीच कोई गठबंधन नहीं होगा। अब ऐसे में देखना होगा इस खबर में या इस गठबंधन को लेकर क्या अपडेट आती है और क्या कोई खबर सामने आती है। इस बारे में कोई और खबर हमारे पास आएगी तो हम आपके पास जरूर लेकर आएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल इन खबर को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।